हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। टाटा हैरियर 2023 फेसलिफ्ट वेरिएंट का प्राइस 15.49 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 26.44 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपको यहां पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसके सेकेंड टॉप वेरियंट फेयरलेस के बारे में। इसके ऊपर एक ही वेरियंट आता है जो कि है फेयरलेस प्लस, जिसकी कि ना आपने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देख ली होगी। मेनली टाटा ने वही वेरिएंट अभी तक शोकास किया था, यह वैसे वो वेरिएंट फेयरलेस प्लस। इससे नीचे आता है ये वाला वेरिएंट फेयरलेस एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपीज़ आपको सस्ता पड़ने वाला है इस टॉप एंड वेरिएंट से। साथ ही साथ हम वीडियो के अंदर इसको इससे कंपेयर भी करने वाले हैं। प्राइसिंग की अगर सबसे पहले बात करें तो इस फेयरलेस ऑटोमेटिक वेरियंट का ना एक शोरूम प्राइस है 24.39 लाख रुपीज़। और अब क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है उसकी बात ना अब हम डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पर कुछ इस तरह की नई इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पर इसमें है टाटा का लोगो। फ्रंट का पार्किंग कैमरा आपको यहाँ मिल जाएगा। एलईडी डीआरएल आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है इस कार की। यहाँ पर आपको ड्यूल फंक्शन डीआरएल प्लस साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। जब इंडिकेटर्स नहीं चल रहे होंगे तो ये पूरी डीआरएल बन जाती है इसकी। नीचे यहाँ पर इसमें हेडलैम्प यूनिट है, एलईडी प्रोजेक्टर दिया गया है लो बीम हाई बीम दोनों के लिए। नीचे आपको फॉग लाइट्स भी इसमें एलईडी में ही दी जाती हैं। बाकी इस कार के अंदर फ्रंट पार्किंग कैमरा के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं। कोई भी एडास इस वेरिएंट के अंदर नहीं आने वाला है, जो कि आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल लुक आप देख सकते हो, फ्रंट से ऐसा कुछ ही आपको देखने को मिल जाएगा। रेडार कैप आपको यहाँ पर ज़रूर से इसमें देखने को मिलेगी, बट कोई भी एडास यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर वेरियंट के अंदर। साइड की अगर बात की जाए तो साइड में आती है आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाते हैं 18 इंचेस के ब्लैक कलर के अंदर अलॉय व्हील्स। टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है यहाँ पर इसमें 235/60R18। ऑल फोर डिस्प्लेक्स आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएंगी। बाकी साइड से लुक आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको नई हैरियर का मिल जाएगा। हैरियर की बैजिंग आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। ओवरव्यू आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। दोनों ही इंडिकेटर भी यहीं पर इसी के ऊपर है। नीचे आपको यहाँ पर कैमरा भी मिल जाएगा। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ से जा चुके हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको जरूर से मिल जाएगा। ड्यूल टोन वेरिएंट आप देख रहे हो, व्हाइट नीचे बॉडी कलर है, ऊपर ब्लैक रूफ के साथ आपके वेरिएंट देखने को मिलेगा। शार्क फिन एंटीना ऊपर यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। रूफ रिल्स ब्लैक कलर के अंदर आने वाली है, मैट ब्लैक में आपको बेसिकली मिलती हैं। रियर की अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, ब्रेक लाइट स्पॉइलर के साथ है। एंड ये है इसका रियर लुक। लग रही है यार कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक, देखो यार कार की कितनी प्यारी होगी। फुल कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स आपको यहाँ पर इस पे देखने को मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक ये आपको मिलने वाला है इस कार का। यहाँ पर आपको हैरियर की इस पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी, टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, दो ही पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटेंगे, चार्ज दे देते यार इतनी बड़ी गाड़ी है तो काफ़ी अच्छा रहता। यहाँ पर इसमें एलईडी में नंबर प्लेट लाइट्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ना इसके अंदर फॉग लाइट्स भी दी जाती है, रिवर्स पार्किंग लाइट भी यहीं पर इसमें दी गई है। एंड थोड़ा आप डिटेल में लुक देख सकते हो, टेल लैंप्स का कुछ ये ऐसा आपको कंप्लीट मिल जाएगा। एंड इस साइड से लुक कुछ ऐसा आपको कार का कंप्लीट देखने को मिलेगा, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। रूफ़ भी आप यहाँ से देख सकते हो, एक प्रॉपर अच्छा व्यू आप यहाँ पे अब रूफ का देखने को मिल पा रहा है। आगे इसका टॉप एंड खड़ा है फेयरलेस प्लस और पीछे यहाँ पर इसका खड़ा है एक वेरिएंट छोटा एडवेंचर प्लस। इसकी वीडियो आने वाली है चैनल पर, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्लैक कलर का है, इससे एक मॉडल नीचे है बट यहाँ पर इसमें 19 इंचेस के बीच इसमें 18 कंपैरिजन भी आएगा इनका दोनों का, तो चैनल के याद से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब हम चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कि कैसे कुछ इंटीरियर्स इस कार में मिल जाते हैं। और टाटा यहाँ पे 50 लाख कार्स बेच चुका है 25 साल में, उसको भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाकी ना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट के मूनलाइट एयर परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस ऑफर करता है। यहाँ पर ना आपको इस परफ्यूम से एक की ग्रीन वुडी फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो कि ना आपको एक इंस्टेंट फ्रेशनेस के साथ दिलाती है आपकी कार के अंदर। इस परफ्यूम के साथ यहाँ पर आपको एक हैंगिंग टैग भी मिलेगा, जिसके ऊपर की आपको सिंपली इस परफ्यूम को कुछ इस तरह से 2 से 3 बार स्प्रे कर देना एंड उसके बाद जिसकी फ्रेग्रेंस है वो पूरी कार के अंदर ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। एंड इस ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा सूदिंग फ्रेग्रेंस है कि आप एक बार बाय करोगे नेक्स्ट टाइम पे आप इसी परफ्यूम को बाय करने वाले हो। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये बॉटल बहुत ही ईजिली 2 मंथ्स तक लास्ट भी कर जाती है। एंड द कार शो कूपन कोड यूज़ करने पर आपको फ्लैट 10% का इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये है इसका डोर पैड, ब्लैक कलर के अंदर ही आपको पूरा का पूरा देखने को मिलता है। ऑल 4 पावर विंडो है, कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इससे ऐसा कुछ डोर हैंडल है। ओवर वी एम्स आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर पाएंगे। पीछे आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर आपको यहाँ सब कुछ इसमें दिया गया है। डोर ओपनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है कार के अंदर, एंट्री एग्जिट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलती है एंड इलेक्ट्रिक सीट्स हैं यहाँ पर। मेमोरी फंक्शन के साथ सीट्स आपको मिलती है, वेंटिलेशन का भी फीचर आपको यहाँ पर इनके अंदर मिल जाता है। फ्रंट टू वेंटिलेटेड आपको दिए गए हैं, बाकी लेदर के अंदर पूरी सीट्स हैं।
एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो कहीं से मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है जरूर से वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप कोई भी कार बिना वेटिंग पीरियड के बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आप वैसे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर कीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की कीज़ देखने को मिल जाती है। इस कार की लॉक ऑप्शन है, अनलॉक ऑप्शन है, हेडलाइट्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ ही साथ ना टेल गेट को भी अनलॉक आप यहाँ से कीज़ की मदद से कर पाएंगे। बाकी ऐसे कुछ ये है, बाकी की टाटा कार्स की तरह बिल्कुल सेम कीज़ आपको यहाँ पर ये इस कार में मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, दो बार प्रेस करने पर हो जाएगा आपकी कार का इग्निशन ऑन। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो यहाँ पर आपको इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ना ये ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। सेंटर में स्पीडोमीटर ये आप देख सकते हो, बाकी यहीं से आप इसे कंट्रोल पूरा का पूरा कर पाएंगे। टॉप एंड्स के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर एडास नहीं मिल रहा है, तो एडास वाले वो वाले फीचर्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे इस कार के अंदर। बाकी मीडिया इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, नोटिफिकेशन है, सेटिंग्स, यहाँ पर ट्रिप मीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ट्रिप ए बी आप यहाँ पर देख सकते हो, और ड्राइवर ड्राउजनेस अलर्ट वगैरह वो सब भी इसके अंदर आते हैं। बाकी आप देख सकते हो स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरह का काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। डी कट स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स के साथ, टाटा का लोगो यहाँ पर आप सेंटर में देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया सा ये लगता है। यहाँ पर ना आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एमआईडी स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर इसमें दिए गए, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा, एंड ये एक व्यू का बटन है, इसके प्रेस करके आप यहाँ पर अंदर सारा कुछ इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं, मतलब अंदर का व्यू आप यहाँ पर पूरा चेंज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो। बाकी फिर आपके यहाँ पर इसमें मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। लेदर आप स्टेयरिंग व्हील है, पेडल शिफ्ट जाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, ये आप देख सकते हो क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। स्टेयरिंग व्हील को आप टिल्ट वे में एडजस्ट और टेलीस्कोपिक वे में एडजस्ट दोनों में ही कर सकते हो। स्टेयरिंग के ऊपर यहाँ पर टाटा का लोगो ग्लो कर रहा है, जैसे कि इंडिया के अंदर टाटा ग्लो कर रहा है। बाकी ऑटो हेडलैम्प्स आएंगे इस कार के अंदर, यहाँ पे वाइपर पगली टॉगल, एक एसी में मिल जाएगा। जेबीएल के ना आपके यहाँ पर इसमें ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट फोल्ड आप यहाँ से इसके मिरर्स कर सकते हैं, सिंगल प्रेस में ही हो जाते हैं। बाकी ये थोड़े येलो येलो टच आपको कैसा लग रहा है कार के अंदर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। नीचे ना आपको यहाँ पर इसमें पूरी एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर आपको इसमें मिल जाता है। ऑटोमेटिक वेरियंट है ये, ओवरऑल लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। वाइट बॉडी कलर है, अंदर ये येलो येलो सा आपको देखने को मिलेगा, नियॉन कलर कह लो या ऐसा कुछ कह लो, बाहर वाली कार की तरफ बिल्कुल मैच कर रहा है। वो इसका फियरलेस प्लस ये इसका फियरलेस वेरिएंट, दोनों के अंदर ना 1.5 लाख रुपीज से ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है ऑन रोड। डिटेल कंपैरिजन अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना, आपके लिए वो स्पेशली मैं बना दूंगा। दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, टच पेस्ट एसी कंट्रोल्स नीचे दिए गए हैं। 360 कैमरा आता तो इसको प्रेस करो, यहाँ पर व्यू आ जाएगा प्रॉपर 360। ये देख लो फ्रंट कैमरा का व्यू, अभी फिलहाल रियर का मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे काली खड़ी है एंड ये आप देख सकते हो। ओवरऑल साइड से व्यू भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी टॉप क्लास आपको मिल रही है टाटा की कार्स के अंदर। स्क्रीन देखो यार, 12 इंचेस की स्क्रीन है इस कार के अंदर, लग रही है ना काफ़ी बढ़िया। XUV700 से भी ज़्यादा बड़ी गलती इस पर ही तो उन्होंने। बाकी इसी कंट्रोल्स पे थे हम, ये आप देख सकते हो टच पेस्ट है। ड्यूल जोन एसी आपको यहाँ मिल जाता है, फॉग लाइट्स ऑन कर सकते हो आप यहाँ से, हजार लाइट का स्विच है, टेल गेट को अनलॉक कर पाओगे। बाकी फैन स्पीड तेज होगी, यहाँ से कार को लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर पाएंगे। बाकी एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पर इसमें पूरी मिल जाती है। नीचे आपको अगेन लेदर पैडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ये मतलब फिनिश पूरा देखने को मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक से आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये प्रॉपर हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट हार्ड है, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्ट बट है हार्ड ही, इसको आप ऐसे कुछ कह सकते हो। ऑटो डिपिंग IRVM आएगा इस कार में। स्क्रीन की अगर बात करें, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको दोनों स्पीकर मिलेंगे, और आपको यहाँ पर इसमें बेसिक फीचर्स जैसे कि AM/FM ब्लूटूथ USB तो मिलते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी आप यहीं से इसमें सेट कर सकते हो। JBL साउंड सिस्टम आता है तो उसके आप यहाँ से मोड्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से आप सेट भी उसे यहाँ पर कर पाएंगे। स्क्रीन में सही में यार टाटा ने बहुत बढ़िया काम करा है इस बारी, पहले वाली स्क्रीन थोड़ी आउटडेटेड लगने लग गई थी प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट्स के अंदर, लेकिन अब जो स्क्रीन है क्वालिटी है टॉप क्लास इस बारी टाटा ने दी है। AQI अभी बाहर चल रहा है 18 एयर प्योरीफायर का, वो आपको मिल जाता है। बाकी तो यहाँ पर आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस के साथ आता है ये, एंड अंदर लाइट भी दी गई है, और साथ ही साथ ना ऊपर दो कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं, ड्राइव मोड्स आ रहे हैं इस कार में, बेसिकली नॉर्मल है, फिर उसके बाद यहाँ पर वेट और रफ मोड भी मिल जाता है।
is activated. Wireless charging pad आपको मिलेगा, Type C, Type A port है. Type C आपको यहाँ पे 45 watts का दिया जा रहा है, मतलब कि ना आप यहाँ पर laptop भी इसके अंदर charge कर सकते हैं, जो कि कमाल की बात है. बाकी यहाँ पे sports mode है, eco mode है, hill descent control है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको gear lever मिलेगा. काफी premium setup overall ये देखने को लगता है. पूरी range rover वाली vibes आपको यहाँ पर आने वाली है. Electronic parking brake इस कार के अंदर auto hold के function के साथ. कार को स्टार्ट करते हैं एक बार. यहाँ से कार हो गई स्टार्ट, एंड रिवर्स में लगाते हैं और फिर मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ. तो ये देखो, ये कार लगी है रिवर्स में. कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया आपको मिलने वाली है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. बाकी यहाँ पर है फिर न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद आ जाता है इसमें ड्राइव मोड. पार्किंग में अगर आपको लेके जानी है तो आपको सिंपली इसको प्रेस कर देना है. ये हो गया पार्क मोड के अंदर वापस से कार शिफ्ट. कार करते हैं यहाँ से बंद, एंड ये आप देख लो पीछे. ये आप देख सकते हो पीछे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है सॉफ्ट कुशनिंग के साथ. आती है यहाँ पे भी ना स्टिचिंग जो है आपको थोड़े ये लेमन कलर के अंदर देखने को मिल जाती है. आर्मरेस्ट के अंदर भी टाइप सी पोर्ट है, टाइप ए पोर्ट है, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट है. सीट्स कुछ इस तरह की रहने वाली है अगली कार के अंदर. देख लो आप, ब्लैक कलर के अंदर सीट्स है, एंड लेदर वाली सीट्स है. प्रॉपर लेदर आपको ये मिलने वाला है इस कार के अंदर. आप देख सकते हो वेंटिलेशन, परफोरेशन सब कुछ आपको मिलेगा. यहाँ पे स्टिचिंग काफी अच्छी खासी आपको दी जा रही है. सेफ्टी के अंदर आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं. फेयरलेस प्लस के अंदर आपको 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे. इसके अंदर आपको फ्रंट 2, साइड कर्टन और सीट्स के साइड्स पे भी एयरबैग्स मिल जाते हैं. और आपको यहाँ ABS, OBD, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इस कार में दिए जाते हैं. सनसीट के अंदर यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है. इसके अंदर यहाँ पे मिरर आ जाता है. और हाँ, एयरबैग की बात जो मैं कर रहा था, उसके अंदर ना आपको जो एडिशनल मिलता है वो मिलता है नी एयरबैग. वो इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है. बाकी कार का इग्निशन फिर से करते हैं, एंड अब बात कर लेते हैं सनरूफ के बारे में. तो यहाँ पर कुछ इतने से इसकी सनरूफ आ रही है इस कार में. पैनोरामिक सनरूफ है, वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ ही आपको मिल जाती है. लाइट्स यहाँ पर इसमें LED में आपको ऑफर की जा रही है. एंड ये आप देख सकते हो ऐसे कुछ 3 लाइट्स आपको मिल जाते हैं इस कार के अंदर. सनरूफ कुछ इतनी वाइड ओपन होती है, वन टच में आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं. लॉन्ग प्रेस करोगे हल्का सा तो इसकी ब्लाइंड भी साथ के साथ ही बंद हो जाएगी. बाकी अगर आप चाहते हो सिर्फ ब्लाइंड इसकी ओपन हो तो इसको आप हाफ प्रेस भी कर सकते हो. ये देखो, इतना प्रेस करा इसका ग्लास बंद रहेगा, पर ये ब्लाइंड पूरी की पूरी खुल जाएगी. और आगे ना एक बार चेक कर लेते हैं इसका इंजन. यहाँ से खोल लेते हैं इसका हुड. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया. एंड इंजन की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपके यहाँ पर इस कार में ऑफर किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ डीजल के अंदर आपकी कार मिलती है. यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है V8 सोर्स्ड 2.0 लीटर का इंजन. हुड बहुत ही ज्यादा हैवी है, इसका इंसुलेशन आपको मिल जाती है. ये 2.0 लीटर का इंजन प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और साथ साथ निकाल कर देता है 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिलायबल इंजन है ये. ओवरऑल कंपार्टमेंट आप इसका कंप्लीट देख ही सकते हो. पहले वाली हैरियर के अंदर भी यही मिलता है, हैरियर के साथ साथ सफारी के अंदर भी आपको यही इंजन देखने को मिलता है. एंड हो सकता है फ्यूचर में टाटा इसके अंदर पेट्रोल ऑप्शन भी लेकर आ जाए, बट अभी के लिए फिलहाल यही आ रहा है. 16.8 की इसकी ARA क्लेम माइलेज है. बाकी बिल्ड क्वालिटी कार की बहुत ही सॉलिड है. 5-star ग्लोबल एनकैप पे इस कार ने स्कोर कर लिए हैं, वो उसका रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है. अब हम चलते हैं रियर सीट में, देखते हैं कि रियर सीट में क्या कुछ इसमें ऑफर किया जाता है. ये गाइस इस कार का बैक डोर कुछ इस तरह का आपको ये पूरा देखने को मिलेगा. ब्लैक कलर के अंदर ही आपको सिंगल टोन में पूरा पूरा देखने को मिलता है. यहाँ पर ना इसमें मिल जाती है लेदर पैडिंग. यहाँ पर इसमें पावर विंडो का स्विच, डोर हैंडल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है. ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, JBL की बैजिंग है. यहाँ पर ट्विटर है, नीचे स्पीकर है, बॉटल होल्डर मिल जाएगा. मैनुअल ब्लाइंड्स आपके यहाँ पर इसमें दी जा रही है इस वेरियंट के अंदर. कुछ ऐसे आप इन्हें लगा पाएंगे, बाकी ऐसे आप इन्हें हटा पाएंगे. काफ़ी बढ़िया फीचर लगता है, बट वही हमारे चंडीगढ़ में इसका चलाना है. बाकी कहीं और यूज़ कर सकते हो तो अच्छी बात है. एंड अब ओवरऑल डोर ओपनिंग की बात करें तो डोर ओपनिंग आपको यहाँ पे अच्छी खासी इस कार में मिल जाती है. अंदर आती है आपको यहाँ पर इसमें एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट मिलते हैं. दो ही मिलते हैं क्योंकि सेंटर पैसेंजर का हेड नहीं होता है. एंड इसके ऊपर ना एक्स्ट्रा कुशनिंग आ गया है. पूरी मर्सिडीज वाली फील देना चाहती है यहाँ पे इस वाली टाटा अपने कस्टमर्स को. आप देख लो काफ़ी बढ़िया कुशनिंग वगैरह आपको यहाँ पे हेडरेस्ट पे इसमें मिल जाएगी. एंड ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल के. दो बॉटल होल्डर्स के साथ ही आएगा. आइसोफिक्स सीट माउंट्स है. लेदर के अंदर ये पूरी सीट्स हैं, ऐसी कुछ ये कंप्लीट आपको मिल जाएंगी. काफ़ी बढ़िया लग रही हैं. एंड कैबिन कुछ ऐसा ही रहने वाला है पैनोरामिक सनरूफ के साथ. बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. AC वेंट यहाँ पर इसमें साइड में दिया जा रहा है, दोनों साइड पे आपको ये मिल जाएगा. अंदर चलते हैं कार के. यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नीचे की तरफ टाइप ए टाइप सी पोर्ट्स. डैशबोर्ड लेआउट कुछ ऐसा कंप्लीट आपको मिल जाता है. डोर हैंडल ऐसा कुछ है कोट हुक के साथ. यहाँ पर लाइट LED में आपको मिलेगी. स्पेस एंड कम्फर्ट कार में हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है, कोई भी कमी नहीं है. नी रूम हो या लेग रूम हो या फिर हो हेड रूम, किसी भी तरह की यहाँ पे स्पेस के मामले में कोई यहाँ पे कमी फील नहीं हो रही है. एंड बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे ना 3 एडल्ट्स इस कार की बैक सीट पे बैठ सकते हैं. सेंटर में बहुत ही माइनर आपको ओवरऑल देखने को
मिलता है। बाकी अब चलते हैं कार के बाहर एंड चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस इसके ना टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट इस वेरियंट के अंदर नहीं है, इसको आपको यहाँ पे मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। फेयरलेस प्लस अगर आप लोगे यानी कि वो वाला वेरियंट, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट भी देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपके यहाँ पे टाटा हैरियर के अंदर देखने को मिलता है, काफी अच्छी ओवरऑल स्टोरेज स्पेस वगैरह मिल जाती है। पार्सल ट्रे इसमें दी जा रही है, आप देख सकते हो ऐसी कुछ ही आपको मिलती है। एंड यहाँ पे JBL का सब वूफर है। लाइट की बात करें तो हेलोजन में रियर सीट 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती है। इसके नीचे आपको यहाँ पर इसमें कुछ जगह दी गई है, बाकी टूल किट जो है वो यहाँ पर इस साइड पर नीचे आपको मिल जाएगी, और जिसका स्पेयर व्हील है ना वो आपको यहाँ पे कार के नीचे की तरफ दिया जाता है। बाकी अब बंद कर देते हैं इसको। टॉप एंड के अंदर आपको बटन मिल जाएगा बंद करने के लिए, इलेक्ट्रिक बटन, इसके अंदर आपको ऐसे हाथ से इसको बंद करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस टाटा हैरियर फेयरलेस वेरियंट का ऑटोमेटिक में डीजल में एक शोरूम प्राइस है 24.39 लाख रुपीज, और ये कार ऑन रोड चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 27.5 लाख रुपीज़ की। आपको ये कार कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के कार परफ्यूम का, जिससे कि जाकर आप ज़रूर से बाय कर लें। बाकी तो इतने था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, जरूर से वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।